हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एके इन्फो के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की जो ये वीडियो है वो वन प्लस के जो इससे पहले अनलॉकिंग की थी विदाउट हमने पीसी, वही उसी टॉपिक के ऊपर है। पार्ट टू देख सकते हैं आप, इसमें FRP लॉक लगा हुआ है, यहाँ देख सकते हैं। और आगे बढ़ा के भी मैं दिखा देता हूँ आपको, मैं देख सकते हैं इसमें FRP लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर अगर साइन आ रहा है तो उसका मतलब FRP लगा हुआ है। फिर भी मैं आपको आगे पूरा प्रोसेस करके दिखाता हूँ, देख सकते हैं। लॉक नहीं पता हम आगे गए तो ये देख सकते हैं, स्किप का ऑप्शन नहीं आ रहा। तो विदाउट आप देख सकते हैं, विदाउट आपको सिस्टम कैसे हम ये काम करके दिखाते हैं, वो बताते हैं आपको। इस पर इसको भी हम बाईपास करने वाले हैं, कैसे बाईपास करेंगे देखिए। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले वाईफाई कनेक्ट कर लेना, जैसे मैंने कर लिया है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसका टॉक बैक ऑन करना है। ये वॉल्यूम अप डाउन दोनों सेम टाइम प्रेस करके रखना है। जैसे आप इसको प्रेस करके रखोगे तो ये टॉक बैक ऑन हो जाएगा। ये देखो इस तरह से बोलेगा। ऐसे आपने नीचे उल्टा एल बना लेना है और यहाँ पे वॉइस कमांड में क्लिक करना है। और यहाँ जैसे इस पे क्लिक करोगे तो बोलना है ओपन गूगल असिस्टेंट, ओपन गूगल असिस्टेंट। इस तरह से इंटरफेस आएगा। यहाँ उसके बाद क्लिक करना है, जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे टाइप बोलना है ओपन यूट्यूब, ओपन यूट्यूब यहाँ पे आ जाएगा लिखा हुआ। देखिए आगे लिखा हुआ। अब जैसे यूट्यूब खुलेगा तो इसको बंद करने के लिए टॉक बैक को दोबारा सेम थोड़ी देर तक प्रेस करना है आपने। टॉक बैक ऑफ हो गया। उसके बाद आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पे जाना है ऊपर यूजर्स पे सेटिंग में और यहाँ से अबाउट में जाके गूगल ओपन कर लेना है। गूगल ओपन करने के बाद आपने साइट टाइप करनी है FRP फाइल बाईपास। जैसे ही FRP फाइल बाईपास ये पे साइट टाइप करोगे तो यहाँ पे यहाँ सेटिंग का ऑप्शन आएगा। बहुत सारी साइटें आती हैं इसकी भी ओपन करने की, तो यहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। और इसके अंदर दिखा देता हूँ मैं कौन सा एंड्रॉयड चल रहा है। एंड्रॉयड 11 है, 70 प्रो है। ठीक है, तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा। हम क्या करेंगे, नीचे आएंगे एक मिनट। ये देख सकते हैं 70 है। और अब देखिए इसमें आप बहुत सिंपल प्रोसेस है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आप यहाँ से यहाँ आने के बाद आपने क्या करना है, ऐप में जाना है, नोटिफिकेशन दिख रहा है यहाँ पे, सी ऑल पे पूरा क्लिक करना है। और यहाँ से ये एप्लीकेशन दिख रहा है इसको स्टॉप करके डिसेबल कर देना है, इसको इसको भी कर देना है स्टॉप। ठीक है, एंड्रॉयड ऑटो को थोड़ा सा नीचे आना है। यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा गूगल प्ले सर्विस, इसको भी आपने क्या करना है ओके करके डिसेबल ऐप कर देना है। डिसेबल ऐप करने के बाद आपने बैक आना है, बैक आना है और यहाँ पर आपने क्या करना है, सेटिंग में SSPD को ऑन कर देते हैं, शॉर्टकट आ जाएगा ओके। ठीक है, अब बैक आ जाते हैं, पूरा बैक आना है। पूरा बैक आने के बाद आपने क्या करना है, स्टार्ट पे क्लिक करना है, एग्री एग्री स्किप, थोड़ा वेट करें, डाउन कॉपी। देखिए काम हो गया आपका। देखो ये प्रॉब्लम आएगी आपके साथ भी, एक मिनट रुकना। ये डन, ये फिर जैसे जैसे बोलता है उसको फॉलो करो। और स्टार्ट, कितना टाइम लगा FRP हटाने के लिए देख सकते हैं। प्रॉपर इसका काम हो चुका है, इजी तरीके से FRP खुल चुके हैं। आप चाहे तो इसको इनेबल कर लो, आप जो इसका स्टॉप किया था हमने इसको इनेबल कर लेंगे, हो जाएगा। कितना टाइम लगा और आपको बाकी डीपली कोर्स करना है कि बाईपास क्या होता है और किस क्या क्या मेथड से FRP हटाते हैं, हर तरीके अलग होते हैं। अभी सैमसंग की FRP में प्रॉब्लम कर रही होगी, ADB इनेबल हो नहीं रहा, किसी का कोड काम कर रहा है तो फिर भी काम नहीं कर रहा है। तो इस तरह से आपके लेटेस्ट वीडियो भी लेते आएंगे। अगर कहीं आप फंस रहे हैं, अगर आपको डीपली काम सीखना है तो नीचे दिए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, AK इन्फो को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अगर आप टेक्नीशियन भी हैं, बहुत टाइम से आपका काम दूसरी दुकान पर ट्रांसफ़र हो रहा है, तो अपना पैसा बचाएं और AK इन्फो को ज्वाइन करें। थैंक यू।